यस रेडी स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़े ध्यान से अपने दोस्त के भाषण को सुन रहा था। मैं उनको आश्वासन देना चाहता हूं कि विरोधी दल के लोग न तो हरियाणा के खिलाफ हैं और न पंजाब के खिलाफ हैं। हम इस देश के साथ हैं और देश की एकता चाहते हैं। हरियाणा भी देश का अभिन्न अंग है, पंजाब भी देश का अभिन्न अंग है, राजस्थान भी देश का अभिन्न अंग है और हम इस देश की एकता की रक्षा करना चाहते हैं। हमें इस बात पर प्रसन्नता होती है जब सरकारी पक्ष के लोग खुलकर कहते हैं कि हमारे देश के भीतर फूट डालने वाली केवल विदेशी शक्तियां हैं। इसकी जिम्मेदारी अमेरिकी सरकार की और पाकिस्तान सरकार की नीतियां हैं और वे हमारे देश को कमज़ोर करना चाहते हैं। आज अगर सरकारी पक्ष के लोग यह बात कहते हैं तो हमें खुशी होती है, लेकिन साथ साथ हम आशा करते हैं कि अपने इस कथन के अनुसार वे आचरण भी करें। आचरण में उनको क्या करना चाहिए वह मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। आज सारा देश इसकी आशा करता है कि आप केवल प्रचार के लिए यह बात न कहें बल्कि उसके मुताबिक आचरण भी करें। जहाँ तक मंत्री साहब का बयान है, इस बयान से मुझे बड़ी निराशा हुई है। मुझे निराशा इसलिए हुई है कि पंजाब की जो स्थिति है वह देश के लिए कितनी खतरनाक है उसका एहसास इस बयान से नहीं होता। उस समस्या को सुलझाने के लिए इसमें कोई रचनात्मक सुझाव नहीं है। जो सुझाव मंत्री जी ने दिए वे क्या है? उन्होंने कहा कि पानी का सवाल और अक्षेत्रीय विवाद दोनों को एक समिति को सुलझाने के लिए दिया जाए। मैं मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि क्या इन दोनों सवालों पर कुछ सहमति पहले बनी थी या नहीं? सरकारी पक्ष के लोगों ने विरोधी पक्ष की बड़ी आलोचना की है। हम लोगों का कहना है कि ये देश के टुकड़े करने वाले हैं। यह ऐसे लोगों ने कहा जिनका जन्म उस समय नहीं हुआ था जब हम लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता बनकर लाठी खाते थे। ऐसे ऐसे लोग भी अपना भाषण देते हैं। उनको जवाब देने की मैं आवश्यकता नहीं समझता हूं। माननीय मंत्री जी इस बात को स्वीकार करेंगे कि विरोधी पक्ष के लोगों ने इस समस्या को सुलझाने में सरकार की कुछ सहायता की है। अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री की मांगों पर कल से बहस चल रही है। इसके कई तथ्यों पर सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किए। कांग्रेस के सदस्यों ने वित्त मंत्री की प्रशंसा की, परंतु अन्य पार्टियों के सदस्यों ने वित्त मंत्रालय के कार्यों की आलोचना की। मैं इस तर्क में नहीं पड़ना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री के तथा उनके अधिकारी सदस्यों के विचारों को सुनकर उनके प्रस्तावों, उनके सुझावों को ध्यान से तथा पूरी निष्ठा से गौर करें और अगर कहीं कोई गलती हुई है तो उसे अवश्य ठीक करें। महोदय, मैं आपका ध्यान देश की बढ़ती हुई महंगाई की ओर दिलाना चाहता हूं। इस सर्दी में सभी देशों में महंगाई बढ़ी है और सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि हमारे देश में महंगाई दूसरे देशों की अपेक्षा कम बढ़ी है। ठीक है, मैं इस बात को मानता हूं, परंतु मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि और देशों के प्रति सोच क्या है और हमारे देश में क्या है। हमारा एक गरीब देश है, यदि इसमें महंगाई बढ़ती है तो सरकार का यह कर्तव्य है कि वह उसे रोकने की पूरी कोशिश करे। इसका असर हमारे किसानों, मजदूरों, दफ्तरों में काम करने वाले बाबुओं पर पड़ता है। क्या सरकार ने कभी इस पर विचार किया है? इस बढ़ती हुई महंगाई से सारा देश परेशान है। अतः मेरा निवेदन है कि सरकार को महंगाई को रोकने तथा उसे कम करने के ठोस उपाय करने चाहिए। अतः अब मैं सरकारी कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ।
केंद्र सरकार के दफ्तर के कर्मचारी हैं। एक तो वे जो केंद्र सरकार के कार्यालयों में काम करते हैं और दूसरे वे जो केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे सरकारी प्रतिष्ठानों का काम करते हैं, जैसे बैंक, बीमा कंपनी, जीवन बीमा निगम, भारतीय खाद्य निगम आदि। इन दोनों के वेतन तथा भत्तों में बहुत अंतर है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को बड़े शहरों में मकान किराया भत्ता उनके वेतन पर 15% मिलता है और उसी सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को 25% से 35% तक मिलता है। मैं सरकार से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि ऐसा क्यों है। सरकार से सभी कर्मचारियों को एक समान वेतन तथा भत्ते दिए जाने चाहिए। यह भेदभाव खत्म होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इस बिल के बारे में जो कुछ मैंने आपको लिखकर भेजा है उस पर मैं अपने विचार रखना चाहता हूं। अपने देश के कई राज्यों में ऐसे पिछड़े क्षेत्र हैं जहां लोगों की कई तरह की मांगे हैं। उनमें से एक मांग यह है कि वहां पर रेल लाइन होनी चाहिए। बहुत समय से लोगों की मांग है कि हमारे क्षेत्र में नई लाइन की जरूरत है। ऐसे बहुत से देहाती क्षेत्र हैं जहां पर अभी तक लोगों ने रेल लाइन नहीं देखी है। महाराष्ट्र में ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां नई रेल लाइन होनी चाहिए। ऐसी रेल लाइन की मांग मैं 25 साल तक महाराष्ट्र विधानसभा में करता रहा हूं, लेकिन दुख है कि अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं हुआ है। आपने मुझे लिखकर भेजा था कि कुछ रेल लाइन आप बना सकेंगे, पर वास्तव में कुछ हुआ नहीं। मैं समझता हूं कि जब तक इसके लिए एक विकास कोष नहीं बनाया जाएगा तब तक नए कार्यक्रम को शुरू नहीं किया जा सकेगा। इसलिए यह जरूरी है कि विकास कोष बनाया जाए और इस कोष से नई रेल लाइन बनाई जाए। रेल विभाग में महाराष्ट्र के लोग भी बहुत कम है। क्या कारण है कि रेल विभाग में महाराष्ट्र के लोग इतने कम है? आश्चर्य है कि महाराष्ट्र में जहां रेल विभाग है वहां भी महाराष्ट्र के लोग दिखाई नहीं देते हैं। अतः मैं प्रार्थना करूंगा कि मंत्री महोदय रेल विभाग में महाराष्ट्र के लोगों को नौकरी देने के बारे में भी विचार करें। अध्यक्ष महोदय, रेल विभाग में अंग्रेजी भाषा चल रही है। मैं यह भी नहीं कहूंगा कि अंग्रेजी भाषा को खत्म कर दिया जाए। अंग्रेजी जरूर चलनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ राष्ट्रभाषा हिंदी को भी आदर देना चाहिए। हिंदी भाषा प्रयोग करना कोई पाप तो नहीं है। देहात के लोग अंग्रेजी भाषा नहीं समझते हैं। अगर रेल विभाग उनका अंग्रेजी भाषा में पत्र भेजे तो यह उन लोगों पर अन्याय करना होगा। इसलिए कम से कम महाराष्ट्र में अंग्रेजी के साथ साथ राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रयोग भी किया जाना चाहिए। ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिसको लोग समझ सकें। अतः रेल विभाग में हिंदी भाषा को प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है। मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूँगा कि वे रेल विभाग में फैले भ्रष्टाचार को